फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। कल क़यामत के दिन आके मुझे नहीं कहना या अल्लाह मुझे नहीं पता था स्याह किया और सफ़ेद किया है। तो सबसे ज़रूरी बात वो ये कि जो समझने की है वो ये कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं एक शानदार आखरत बनाने के लिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? एक शानदार आखरत बनाने के लिए। जो इस नियत से दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया उसकी खुद बनाते हैं। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। इंसान अपनी मेहनत से अपनी दुनिया नहीं बना सकता। वो अपने आप को नहीं बना सकता तो बाकी दुनिया क्या बनाएगा? ठीक है, मैं चाहूँ कि मेरी जवानी कभी बुढ़ापे की तरफ ना जाए, ये हो नहीं सकता। मेरा अपने ऊपर तो जोर चलता नहीं है, ना मैं अपनी मर्ज़ी से आया, ना अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ और ना अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाऊँगा। ये कैसी दुनिया है कि इसकी कोई भी चीज़ मेरे काबू में नहीं है। आप यहाँ रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ, कोई लाहौर में रहता है, कोई पिंडी में रहता है, और आपको पता है कि यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हुए। ये भी बड़ी अजीब बात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो इसके बारे में जो बात कर रहा है सब गलत कर रहा है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस साआ, अल्लाह कहते हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश ने कब कहाँ और कितना बरसना है कोई नहीं जानता। रिज्क किसके पास कितना पहुंचेगा अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। वयालमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में ये तो मालूम कर लेते हैं कि बेटा है या बेटी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ये नहीं मालूम कर सकते कितना जिएगा, कितना कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नेक होगा, बद होगा, फरमाबरदार होगा, नाफरमान होगा, अल्लाह फरमाते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह फरमा रहे वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नफ्स ये नहीं जानता, इंसानों को छोड़ो कीड़े मकोड़े भी ये नहीं जानते कि कल उनको उनका रिज़्क कहाँ से मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि आज मैं खाना यहाँ बैठ के खाऊंगा, कोई आइडिया नहीं, अल्लाह कहते कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह कह रहे हैं 5वीं चीज़ वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता कि उसको मौत कब आएगी और कहाँ आएगी। वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता उसको उसकी मौत कल कहाँ आएगी। ये 5 चीज़ें कोई नहीं जानता। अब इन 5ों चीज़ों का बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक है। तो फिर ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसी दुनिया है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का बनना बिगड़ना ये इंसान के हाथ में नहीं रखा, इंसान के हाथ में नहीं रखा। और इख्तियार कितना दिया? हम कहते हैं ना भाई इंसान को इख्तियार है, भाई इख्तियार कितना दिया? इख्तियार इतना दिया, किसी ने हजरत अली करम अल्लाह वजू से पूछा कि हजरत ये मेरे पास दुनिया में कितना इख्तियार है? कहा एक टांग उठाओ अपनी, तो उसने अपनी एक टांग उठा ली। कहा जी दूसरी उठाओ, कहा जी वो नहीं उठा सकता। कहा बस इतना इख्तियार है तेरे पास, इंसान के पास इतना इख्तियार है। और जो इख्तियार है वो क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। इंसान के पास क्या इख्तियार है? अल्लाह ने इंसान वो वाहिद मखलूक है पूरी कायनात में जो अपनी जान के इस्तेमाल को भी जानती है और चीज़ों के इस्तेमाल को भी जानती है। इंसान के अलावा और किसी मखलूक को ये नहीं पता कि मैंने अपनी जान को कैसे इस्तेमाल करना है और चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। घोड़े को नहीं पता कि मैंने अपने आप को किस काम में लगाना है और मैंने बकरी का क्या इस्तेमाल करना है। बकरी को नहीं पता कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आई हूँ। उसको कोई आइडिया नहीं है कि बिल्ली का मैंने क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंसान वो वाहिद मखलूक है जो जिसको अल्लाह ने ये शऊर दिया। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, उफ्फो मेरे दोस्तों ये वो आयत है वनफ्सि वमा सव्वाहा। अच्छा चल किसी की कसम नहीं मानता तो मेरे बंदे मुझे तेरी जान की कसम। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कल क़यामत के दिन आके मुझे नहीं कहना या अल्लाह मुझे नहीं पता था स्याह किया और सफ़ेद किया है, मुझे नहीं कहना कल ये क़यामत के दिन। क्योंकि फअल्हमहा, इल्हाम किया है मैंने तुझे, इल्हाम किया है, अच्छाई और बुराई का फ़र्क मैंने तेरे अंदर डाला है और ये डाल के तुझे दुनिया में भेज दिया है। जैसे कोई भी मुआशरा हो उसमें सच अच्छा समझा जाता है, झूठ बुरा समझा जाता है, चाहे वो मुसलमानों का मुआशरा हो चाहे गैर मुस्लिमों का हो। बेईमानी हर मुआशरे में बुरी समझी जाती है, ईमानदारी हर मुआशरे में पसंद की जाती है। रासतबाजी, सच्चाई, बींग अपराइट, ये हर मुआशरे में पसंद किया जाता है,
और जुल्म हर माशरे में बुरा समझा जाता है, जस्टिस हर माशरे में अच्छा समझा जाता है, कत्ल हर माशरे में बुरा समझा जाता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे, ये चीजें दे के मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, मैंने तुम्हें तुम्हारी जान का इस्तेमाल बता दिया, चीजों का इस्तेमाल भी सिखा दिया। तो या अल्लाह, मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है, मैंने जान का क्या इस्तेमाल करना है? तो अल्लाह पाक फरमा रहे, कद अफलाह मन ज़क्काह, तूने अपनी जान का तज़किया करना है तो तू कामयाब हो जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साह, और अगर अपने नफ्स को तूने खुला छोड़ दिया तो बर्बाद हो जाएगा। अब नफ्स का तज़किया क्या है? नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया है, यह नफ्स का तज़किया है। सामने ना मेरा मौरत है, अब नहीं देख सकते उसको। वो सामने से आई, नजरें झुका ली, अब नजरें झुका ली उसी लम्हे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और अल्लाह ईमान की वो हलावत देते हैं जो आप नमाज में महसूस करेंगे। फिर आप नहीं कहेंगे कि जी मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा तो ध्यान उधर निकल जाता है। फिर आप नहीं कहेंगे। कान को हर वो चीज सुनने से रोकना जिसको अल्लाह ने मना किया, हर उस चीज को सुनना जिसका हुक्म दिया। हाथ को हर उस जगह इस्तेमाल करना जिसका हुक्म, हर उस चीज से रोकना जिससे मना किया। तो नफ्स का तज़किया अल्लाह फरमा रहे हैं, जब तुम देख देख कर मेरी रियायत रख के जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें कामयाब कौन करेगा? हम करेंगे, तुम खुद कामयाब नहीं हो सकते, से मना किया। तो नफ्स का तज़किया अल्लाह फरमा रहे हैं, जब तुम देख देख कर मेरी रियायत रख के जिंदगी गुजारोगे तो तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें कामयाब कौन करेगा? हम करेंगे, तुम खुद कामयाब नहीं हो सकते।